वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। अरपल जीव का ड्रामा सीरियल खुमार के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि शेख फुरकान अपनी बेटी के बारे में कहता है कि लाइबा के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे गुनाहों की सज़ा इस तरह सामने आ जाएगी। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि कैकशा बेगम अपने बेटे के बारे में कहती है कि हमने फैज़ और लाइबा के साथ वाकई ही बहुत गलत किया, रेहान की खातिर हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया लेकिन रेहान ने हमारे साथ बहुत गलत किया, सब कुछ तो ख़त्म हो गया। यह बात सुनकर शेख फुरकान कहता है कि रेहान अब इस घर से जा चुका है, अब हमारा उससे किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं, मैं चाहता हूँ कि अब हमारे इन बच्चों के साथ कुछ भी गलत ना हो। यह बात सुनकर कैकशा कहती है कि आप कहना क्या चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि किसी न किसी तरह से लाइबा की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। जिस पर शेख फुरकान कहता है कि अच्छे घर से ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि उन लोगों से अब हमारा किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं, अगर मेरी बेटी की शादी उस घर में हो जाती तो इन हालात में शायद हमें बहुत ही मुश्किल से गुजारा करना पड़ता। यह बात सुनकर कैकशा कहती है कि मैं तो खुद बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। शेख फुरकान कहता है कि तुम्हें हरीम से बात करनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम हरीम से बात करो और उससे माफ़ी मांगो। यह बात सुनकर एक बार फिर बहुत ही ज़्यादा कैकशा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि मुदस्सर हरीम को कहता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब भी तुम्हें लगता है कि फैज़ से तुम्हारा किसी किस्म का कोई तल्लक होगा। हरीम कहती है कि कुछ रिश्ते मरते तक इंसान नहीं भूल सकता, शायद मैं भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि तुम आज भी उससे मोहब्बत करती हो, अगर तुम उससे मोहब्बत ना करती तो शायद ऐसी बात कभी भी ना करती, तुम्हारे दिल में आज भी ऐसी वैसी कोई बात ज़रूर है। यह बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा कैकशा बेगम भी परेशान है, वो तो हरीम से माफ़ी मांगना चाहती है लेकिन उसे इस बात पर भी यकीन है कि कभी भी हरीम उसे माफ़ नहीं करेगी। मुदस्सर कहता है कि जो भी है लेकिन फैज़ अच्छा इंसान है। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।